एसडीएम ने सीएम आवास पर चलवाया बुलडोजर। अमेठी जनपद में सीएम आवास पर प्रशासन द्वारा सप्ताह भर पूर्व बुलडोजर चलाकर सरकारी भूमि खाली कराए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां पीड़ित ने जिला अधिकारी से मिलकर तहसील प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहा है, वहीं एसडीएम अमेठी ने इस कार्यवाही को विधि संगत बताते हुए आवास की जाँच कराए जाने की बात कह रही है। फिलहाल पीड़ित न्याय के लिए सरकारी कार्यालयों का चक्कर काट रहा है। मामला अमेठी जिले के भादर विकास खंड क्षेत्र अंतर्गत खाजा ग्राम सभा निवासी रंजीत पाल का। मैम, खाजा ग्राम सभा में आपके द्वारा कोई निरीक्षण किया गया है, क्या है पूरा मामला? आज ग्राम खाजा के कुछ व्यक्ति जो कलेक्ट्रेट गए थे और उन्होंने डीएम मैम को एक शिकायती पत्र दिया था कि उनका आवास अवैध रूप से बिना नोटिस के गिरा दिया गया है और कार्रवाई की मांग कर रहे थे, उसी प्रकरण में मैंने क्षेत्रीय लेखपाल और राजस्व कानूनगो के साथ मौके का निरीक्षण किया था। उसमें ये पाया गया कि जो पक्ष अपने आप को पीड़ित बता रहे थे उनके उसी गांव में और हार्डली 50 मीटर के डिस्टेंस पे दो आवास बने हुए हैं ऑलरेडी, उनका परिवार वहाँ निवास कर भी रहा था। उनमें से एक आवास जो था वो ग्राम सभा भूमि पर भी था, इसके अतिरिक्त वो एक तीसरा एनक्रोचमेंट वहाँ पर कर रहे थे जिसको हमने मौके पर गिरवाया था लेखपाल द्वारा, और वो पूर्व से उस विषय में वो सूचित भी थे। क्या नाम है आपका? उर्मिला नाम है। क्या घटना हुई है आपके साथ? हमारे साथ घटना घटी है भैया, हमारी कॉलोनी लेखपाल और कानून हुआ सिपाही आके हमारी कॉलोनी मौके पे दिनेश प्रधान बलिराम प्रधान सबके सहमत से हमारी कॉलोनी गिरा दे हैं। रास्ता खुलाने के बात रही, रास्ता वाली बात रही, पूरे गांव दरखास्त दे रहे हैं, गए रहे हैं महू साथे में दरखास्त का, आए ही अब रास्ता खुलाओ, एक बार पूरे गांव का रास्ता रही आई रास्ता खुलाओ, सब जने आए और ढकेल के हमारे कॉलोनी चला गए। कितनी पुरानी कॉलोनी बनी थी आपको? हमारी कॉलोनी अप्रैल को बनी रही। अच्छा, तो ये एक तारीख को गिराई गई? हाँ, एक तारीख को गिराई गई। किसके माध्यम, कितने लोग थे जो गिरा रहे थे, उसमें कौन कौन जो गिरा रहे थे? गांव के लोग देखते रहे हैं खड़ा होके, मौके पे दिनेश प्रधान रहने, बलिराम प्रधान रहने, नेक पालव रहने, कानून गुआ रहने। क्या नाम है आपका? रंजीत पाल। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ गए थे, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला सर ये है कि हमारी एक कॉलोनी बनी थी 8 महीने पहले 2023 में, प्रधानमंत्री ग्रामीण जो 1,20,000 वाले थे वो कॉलोनी बनी थी, तो कॉलोनी में बनवा के चला गया था, मैं बाहर रहता था, तो मैं बाहर चला गया था, तो उनके जब बन नहीं थोड़ा विवादित था, जैसे कि जिससे विवादित था, तो वो विवादित मैटर में कहना समझौता हुआ था, प्रधान भी थे और पूर्व प्रधान, मौके प्रधान और पुलिस प्रशासन भी थी और नेकपाल भी थे, उनके माध्यम से समझौता हुआ, तो साइन ऑन किए थे, बताए थे कि इतने अंदर बना लो, मैं उसको बना के चला गया, मैं चला गया बाहर, मैं बाहर ही रहता हूँ तो मजदूर करता हूँ, तो वहाँ पे हुआ क्या कि हमारे पास फ़ोन आया, वैसे मम्मी मेरे पास फ़ोन करी तुम्हारा घर गिर गया है, तो उसके बाद मैं वहाँ से भाग किया तो देखे मेरा मकान। कब गिराया गया घर आपका? 1 तारीख 2 महीना 2023 को। टाइम वही सर जी 1 बजे कानो कॉलोनी मेरी गिरी थी, उसके बाद कौन कौन आया था गिरवाने? गिरवाने थे मौके पे थे वो, क्या नाम है, तो वीडियो में देख रहा सर जी, जो वीडियो था मेरे पास पहुंचा हुआ था, उसमें नेकपाल भी थे और पूर्व प्रधान, मौके प्रधान और पुलिस प्रशासन भी थी सर। कॉलोनी का पैसा पूरा पास हो गया था? हाँ, कॉलोनी का पैसा सब पूरा पास हो गया था। कितना पास हुआ था सर जी? 1,20,000 पूरा आया था, इसमें जो सिर्फ लेंटर वाला जो लास्ट वाला था वही पैसा नहीं आया था बस सर जी।